Uh, ये हैं नॉलेज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी मॉडल्स इसमें हम देखते हैं सबसे पहले है कोडिफिकेशन वर्सेस पर्सनलाइजेशन के एम स्ट्रेटी इसमें दो हैं एक है कोडिफिकेशन का दूसरा है पर्सनलाइजेशन का तो कोडिफिकेशन का मतलब यह है इट रिलइज़ ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ टू डॉक्यूमेंट एक्सप्लिसिट नॉलेज एक्सप्लिसिट नॉलेज को डॉक्यूमेंट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है जैसे मिसाल के तौर पे कोई वेब पेज बनाना है या कोई मैनुअल लिखना है या बुक लिखनी है इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑपरेशनल एफिशेंसीज़ एंड स्टैंडर्डाइजेशन एज नॉलेज कैन बी मोर इजीली रीयूज इसको ऑपरेशनल एफिशेंसीज में शामिल किया जा सकता है इस कोडिफिकेशन के अमल के बाद इस नॉलेज को जो एक्सप्लिसिट फॉर्म में है और रिकॉर्डेड है या डॉक्यूमेंटेड है इसको स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है इसको री के लिए यानी फ्यूचर के यूज़ के लिए इसको महफूज रखा जा सकता है नॉलेज इज़ एक्सेसिबल मोर क्विकली एंड टू अ वाइडर ग्रुप ऑफ़ यूजर्स कि जब ये कोडिफाई हो गया स्टैंडर्डाइज हो गया डॉक्यूमेंट हो गया स्टोर हो गया रेजरवाइर का हिस्सा बन गया तो ज़्यादा आसानी के साथ ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको एक्सेस किया जा सकता है और ज़्यादा बड़ी तादाद में एम्प्लॉज़ इसको यूज़ कर सकते हैं इसके मुकाबले में पर्सनलाइजेशन का कंसेप्ट है इट फोकस ऑन फेस टू फेस शेयरिंग ऑफ टेसट नॉलेज अब इसका ताल्लुक टेस्ट नॉलेज के साथ है इसको पर्सनलाइज इसलिए कहा कि एक पर्सन के जहन में नॉलेज होता है और दूसरा पर्सन उसके जहन से पढ़ के अपने जहन का हिस्सा बनाता है इट रिक्वायर्स मोस्ट टाइम एज यूजर्स आर एंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन विद अदर इंडिविजुअल्स अगर आपने टेसट नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करना है तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए कि इसमें इंडिविजुअल्स के आपस में कन्वर्सेशन होगी डिस्कशन होगी इसमें इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक सिस्टम से नॉलेज हासिल नहीं कर रहे एक रेजरवाइड से हासिल नहीं कर रहे ये चूँकि टेस्ट फॉर्म में है तो इसको इसको शेयर करने का सिर्फ़ एक ही तरीका है कि एम्प्लॉज़ के दरमियान जो है वो सोशलाइजेशन करवाई जाए उसको वो कन्वर्सेशन के ज़रिए करें लेकिन ज़ाहिर है इसमें टाइम लगेगा और ज़्यादा बड़ी तादाद में एम्प्लाईज़ इस नॉलेज को हासिल भी नहीं कर सकेंगे यहाँ पे एक और कंसेप्ट जो है वो दिया गया वो है कि स्कूल्स ऑफ थाट्स कौन से हैं नॉलेज मैनेजमेंट में तो यहाँ है वो सेवन स्कूल्स ऑफ थाट या स्कूल्स ऑफ के एम आइडेंटिफाई किए गए इनके नाम हैं सिस्टम्स कार्टोग्राफिक इंजीनियरिंग कमर्शल ऑर्गेनाइजेशनल स्पेशल एंड इन द लास्ट स्ट्रेटजिक आइए इन पर बात करते हैं एक एक करके सबसे पहले सिस्टम स्कूल्स जो है वो फोकस करता है एक्सप्लिसिट नॉलेज पे और एक्सप्लिसिट नॉलेज के बारे में ये कहते हैं कि दैट हैज़ बीन स्टोर्ड इन इन सम टाइप ऑफ के एम सिस्टम टिपिकली विद लिटल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन कि जब आप डाटा बेस यूज़ करेंगे जब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे या ऐसा कोई सिस्टम बना लेंगे तो एक्सप्लिसिट नॉलेज जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर होगा पर ह्यूमन इंटरवेंशन की इसमें कम से कम ज़रूरत पड़ेगी इसलिए इसका नाम सिस्टम स्कूल रखा गया उसके बाद कार्टोग्राफिक स्कूल है इसका फोकस है ऑन टेस्ड नॉलेज कि टेसड नॉलेज किस तरह से जो है वो दूसरों के साथ शेयर किया जाए इसको जो है वो कार्टोग्राफिक स्कूल ने डील करना है इसके बाद इंजीनियरिंग स्कूल है इंजीनियरिंग स्किल स्कूल अपने अंदाज से चीज़ों को देखता है कि नॉलेज इज़ एम्बेड इन बिजनेस प्रोसेस सो दैट एम्प्लॉयज़ कैन ऑब्टेन द नॉलेज दे नीड वैन दे नीड इट एज़ दे आर कैरिंग आउट दे टास्क कि जब अपने प्रोसेस के अंदर प्रोसेस के दौरान अगर किसी एम्प्लॉ को कोई काम करते हुए उसको नॉलेज की ज़रूरत है तो उसी बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो नॉलेज क्रिएट हो रहा है वो उस नॉलेज को यूज़ कर सकता है और आइंदा के लिए उसको स्टोर भी कर सकता है तो इन्होंने कहा कि बिज़नेस या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में नॉलेज जो है वो मौजूद होता है इसलिए चूँकि प्रोसेस के साथ ताल्लुक़ है तो इसका नाम इन्होंने इंजीनियरिंग स्कूल रखा इसके बाद है जी कमर्शियल स्कूल कमर्शियल स्कूल में नॉलेज मैनेजमेंट को देखने का एक और स्टाइल है कि नॉलेज इज़ कन्वर्टेड इंटू आ रेवन्यू जनरेटिंग एसेट और इट इज़ मोनिटाइज कि नॉलेज को इस तरह से क्रिएट किया जाए कि उसके नतीजे में फिर आपका रेवेन्यू जनरेशन हो या नॉलेज मैनेजमेंट के जो प्रोसेस हैं वो आपके प्रॉफिट मेकिंग का बायस बने उसके नतीजे में मनी आए उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल है कि लर्निंग इज़ प्रमोटिंग थ्रू इंट्रैक्शनस नेटवर्क्स एंड कलेब्रेशन सो दैट एम्प्लॉइज़ कैन लर्न फ्रॉम वन एंड अदर एंड प्रोवाइड असिस्टेंस टू वन एन अदर अब इसका मतलब ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एम्प्लॉज़ के दरमियान इंटरक्शन से नॉलेज क्रिएट होगा और इसी तरीके से नॉलेज प्रमोट भी होगा आगे भी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन के मकासद के लिए इस्तेमाल होगा अब इसका मकसद ये है कि लर्निंग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्शन के नतीजे में होती है इसलिए इसका नाम ऑर्गेनाइजेशनल स्कूल रखा उसके बाद स्पेशल स्कूल है अब, अब इसका ताल्लुक स्पेस के साथ न्यू स्पेसिस एंड ऑफिस लेआउट्स नीड टू तो बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू तो प्रमोट नॉलेज शेयरिंग कन्वर्सेशन कि अगर आप नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस को रन करना चाहते हैं और एक कल्चर बनाना चाहते हैं नॉलेज शेयरिंग का तो आपको नई स्पेस नए ऑफिस और नई जगह चाहिए अब चूँकि इसका ताल्लुक जगह के साथ है तो इसको इसका नाम उन्होंने स्पेशल स्कूल रखा इसके बाद आखिर में है स्ट्रेटजिक स्कूल अब इसका मतलब ये है कि कन्वर्टिंग सम नॉलेज इनटू स्ट्रेटजिक नॉलेज के नॉलेज हासिल किया जाए उसको प्रोसेस किया जाए और उसको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी में चेंज किया जाए तो जब वो स्ट्रेटजी में चेंज हो जाएगा तो उसे हम स्ट्रेटजिक नॉलेज कह सकेंगे इस तरीके से ये जो स्कूल ऑफ थाट है ये नॉलेज मैनेजमेंट के प्रोसेस को अपने अंदाज से देखता है और इसका नाम उन्होंने रखा है स्ट्रैटिक स्कूल ऑफ थाट